सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। मैं हूँ रमन ढिल्लो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो है मेरे फेवरेट मॉइस्चराइज़र के ऊपर जो है कोको बटर। तो ये क्वीन हेलेन का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों ने इसका लिंक मांगा था तो मैंने लास्ट वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने इसकी इंडियन प्राइस चेक करी तो ये 2200 समथिंग था, रुपीज़ का था। तो जो लोग इसको बाय कर सकते हैं तो डेफिनेटली बाय करें, अदरवाइज जो लोग नहीं कर सकते तो वो लोग कोई और ब्रांड का कोई छोटी पैकिंग ट्राई करके देख लें कि वो सूट करते कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे जो होते हैं वो मिलावट वाली चीज़ें होती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा से नहीं आता है स्किन के ऊपर। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं फ़ायदा। तो बाकी सारे मॉइस्चराइज़र की तरह ये भी स्किन को मॉइस्चराइज करता ही करता है। अब इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि ये ड्राई स्किन के लिए तो है ही है, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जिन्होंने इसको यूज़ किया है, तो जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको भी इसका बेनिफिट लगा है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्किन के ऊपर इसका जो टेक्सचर है वो नॉन ग्रीसी है, तो जब आप स्किन के ऊपर लगाते हो तो ये लाइक एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। तो मेरे ख्याल से इसको आप ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसके। और जो इसका थर्ड पॉइंट है, ये जो स्किन है आपकी, टोन है, उसको ये इवन करता है। ओके, कई जगह पे मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्शन को लाइक आपको कॉम्प्लेक्शन फेयर कर देता है। तो अब इसके बारे में मैं कहूँगी नो, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्शन को फेयर कर देता है। बट येस, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम में यूज़ करते हो तो थोड़ा फ़ायदा तो होता ही है इसका। एंड आगे इसका बेनिफिट ये है कि ये पिंपल्स के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, ब्लेमिशेस के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर। और जिस जगह पे आपके पिंपल्स होते हैं, मान लो आपके इस एरिया पे पिंपल्स, तो जब आप लगाओगे इसको तो वहाँ पे लाइक आपको इरिटेशन होती है, चुभता है, चुभने वाली आपको सेंसेशंस होती हैं, तो डोंट बी पैनिक, डरना नहीं है। ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबको होता है। और अगर आपको चुभा है इसका मतलब कि आपकी स्किन हील हो रही, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे ये आपको लगेगा। ओके, और ये जो है आपको स्किन को सॉफ्ट कर देता, आप देखो स्किन बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो जाती है। और इसके बहुत सारे ये जो बेनिफिट्स हैं कोई और मॉइस्चराइज़र ऐसा नहीं करता है। मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम में कि कैसे मेरी पिगमेंटेशन जो है ये फेड अवे हो रही हैं। ओके, और जैसे मैं मेकअप करती हूँ तो मेकअप करने से पहले लाइक जैसे आप फेस सीरम कोई भी लगाते होंगे या प्राइमर लगाते होंगे, तो उसको बाद में इसको लगाती हूँ, उसके बाद में अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, और इतना सही लुक आता है ना, मतलब स्किन बड़ी इवन सी लगती है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो फाउंडेशन होता है वो। तो ये बहुत ज़्यादा सही है और ये लाइक इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ओरिजिनल है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बहुत सारी क्वांटिटी एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा वाली। देखिए, अब ऐसे करके आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैं तो वैसे अपनी स्किन के ऊपर ऐसे ही लगा रहने देती हूँ रात को, और ये विद इन 3 to 4 मिनट के अंदर ये स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपको भी वाइट वाइट दिख रहा है ना, जब आप यूज़ करोगे तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 3-4 मिनट के अंदर आपकी स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी स्किन जो है इसको। अब मैं इसके ऊपर, वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फेस रोलर को उसको ब्लेंड करने में। अब इसका क्या बेनिफिट है, ये आपकी स्किन को टोन करता है और आपकी जो स्किन के ऊपर जो टेंशन होती है जो, उसको ये रिलीज़ कर देता है, और ये फाइन लाइन जो होती है आपकी स्किन को, आपकी स्किन को यंगर दिखने में ये बहुत हेल्पफुल है, ये जो क्रिस्टल है ये। तो ये ऑप्शनल है, जो इसको बाय करना चाहते हैं वो इसको बाय कर सकते हैं, आप कोई सा भी रोलर यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए, अभी 3-4 मिनट भी नहीं हुए और स्किन के अंदर
यहाँ पे भी आपकी फाइन लाइंस हैं, आप कोई उसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो दिस इज़ अ होल वीडियो अबाउट कोको बटर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ एक टिप, ब्यूटी टिप, और वो ये है कि अगर आप अपना कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको पिंच ऑफ ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है और ऑर्गेनिक टर्मरिक, और उसको आपको रॉ मिल्क के अंदर लाइक मिक्स करके कॉटन बॉल्स लेके रात को सोते टाइम, सोने से पहले अपने फेस के ऊपर उसकी क्लीनिंग करनी है, लाइक फेस क्लीन करना है उसके साथ, और फिर सो जाना है। और इसको रूटीन आप जब करोगे तो आप देखोगे आप डे बाय डे आपकी जो स्किन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको मत यूज़ करना, क्योंकि जो मिल्क होता है समटाइम्स कुछ लोगों को उससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ड्राई स्किन वाले इसको ज़रूर लाइक अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना इसको यूज़ करने के बाद। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक मुझे तो इजाज़त, सत श्री अकाल जी।